नमस्कार, मैं हूँ साक्षी ममगाई। बागेश्वर के सियासी रण को सिर्फ विजय और पराजय की संकल्पना में सीमित कर देना शायद एक बड़ी भूल होगी। ये मैदान हार और जीत की इबारत लिखने से कहीं बढ़कर दलों की दिशा और दशा का लेखा जोखा कहने वाला है। पार्टियों के लिए चुनौतियों की गहराई मापने के साथ ही बागेश्वर उपचुनाव कुछ की आंखें खोलेगा तो कुछ की कवायदों पर पर्याप्त या फिर अपर्याप्त का ठप्पा भी लगाएगा। इस बार के समय में एक तस्वीर दिखेगी आगामी हर उस चुनाव की, जिन पर दलों का उत्थान या फिर पतन निर्भर करने वाला है। कहीं न कहीं भाजपा की पार्वती दास और कांग्रेस के बसंत कुमार को मैदान में उतारने के फैसले ने बागेश्वर के उपचुनाव को रोचक तो बना ही दिया है, साथ ही प्रत्याशियों का चयन उपचुनाव को राजनीति की अहम घटना बनाता हुआ भी दिख रहा है। कैसे, आई रिपोर्ट विस्तार से समझते हैं। भाजपा से पूर्व कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास की पत्नी पार्वती दास ताल ठोकेगी। कांग्रेस से अभी अभी पार्टी में शामिल हुए आप नेता बसंत कुमार मैदान में उतरेंगे। उत्तराखंड क्रांति दल ने अर्जुन देव को मौका देने का फैसला किया है, तो वहीं सपा से भगवती प्रसाद त्रिकोटी चुनाव लड़ने वाले हैं। एक तरीके से बागेश्वर उपचुनाव का शंखनाद हो चुका है। अब बस देरी है उस तारीख के आने की जिसमें बागेश्वर की जनता अपने विधायक के लिए अपने मत का इस्तेमाल करेगी। अच्छा, सबसे रोचक मुकाबला इस बार भाजपा और कांग्रेस के बीच देखने को मिलने वाला है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि दोनों राज्य की मुख्य पार्टियां हैं, इसलिए भी क्योंकि दोनों के ही प्रत्याशी अपने अपने कारण से दमदार बताए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भाजपा का बागेश्वर के पूर्व विधायक चंदन राम दास के निधन के बाद उनकी सीट पर उनकी पत्नी को लड़ने उतारना उम्मीद के दायरे में था। राजनीतिक विशेषज्ञों की राय इस पर जरा भी नहीं बटी थी कि भाजपा सहानुभूति कार्ड खेलने के लिए पूर्व मंत्री के ही परिवार से किसी को प्रत्याशी घोषित करेंगे। ऐसा हुआ भी पार्वती दास को प्रत्याशी बनाकर पार्टी ने विपक्ष के खिलाफ सबसे महत्वपूर्ण कदम रखते हुए जीत के बीच की अपनी दूरी को कम कर लिया। अब पार्वती दास ने लोगों से वादा किया है कि वो अपने पति के छोड़े विकास को पूरा करेगी। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस के प्रत्याशी की घोषणा से पहले जहां ये कयास जताई जा रही थी कि भाजपा का जीत की पटकथा लिखना लगभग तय है, कांग्रेस के नाम के ऐलान के बाद स्थिति में कुछ बदलाव जरूर आया है। विधानसभा चुनाव 2022 में चंद्रराम दास के बाद बागेश्वर विधानसभा सीट पर सबसे अधिक वोट कांग्रेस के रंजीत दास को मिले थे। माना जा रहा था कि कांग्रेस रंजीत दास पर ही दांव खेलेगी। पार्टी नेताओं के मुताबिक केंद्र को भेजे गए नामों के पैनल में रंजीत दास का नाम भी शामिल किया गया था, पर रंजीत दास संदेह के चलते कि दल उन्हें मौका नहीं देगा, ऐन समय पर कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। नुकसान की भरपाई करते हुए पार्टी ने भी बिना देर किए आम आदमी पार्टी के बसंत कुमार को पहले कांग्रेस में शामिल किया और फिर प्रत्याशी के तौर पर उनके नाम का ऐलान कर डाला। बहुत लोगों का मानना है कि बसंत कुमार एक दमदार नेता है जो कि भाजपा के सहानुभूति फैक्टर का प्रभाव बहुत हद तक कम कर सकते हैं। जानकार कहते हैं कि बसंत कुमार की लोगों में लोकप्रियता ने भाजपा को कहीं ना कहीं असहज जरूर किया होगा, खासकर तब जब कांग्रेस के पास इस समय मुद्दों की कोई कमी नहीं है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि बागेश्वर उपचुनाव पर सिर्फ राज्य स्तर के कारकों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि माना जा रहा है कि इस बार राष्ट्र स्तर पर की जा रही राजनीति का असर भी यहां देखने को मिल सकता है। ये उपचुनाव एक अहम राजनीतिक घटना इसलिए भी है क्योंकि विपक्षी दलों के इंडिया के तले साथ आने के बाद, राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने के बाद और मणिपुर हिंसा जिसने पूरे देश को चिंता में डाल दिया है, उसके बाद बागेश्वर उपचुनाव नए कलेवर में उतरी कांग्रेस की बदली हुई स्थिति को स्पष्ट करेगा। रही बात मुद्दों की, तो महंगा, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, खनन, बढ़ता अपराध, अधूरे विकास कार्य, भर्ती घोटाले, कई मुद्दे हैं जिन्हें कांग्रेस इन चुनावों में हाईलाइट करने वाली है। देखिए, बागेश्वर उपचुनाव सीधा सीधा ये बताएगा कि मिशन 2024 में पार्टियां जनता की नजर में कहां स्टैंड करती हैं। यूं तो उपचुनाव और लोकसभा चुनाव के बीच अंतर का अंतराल इतना है कि मापा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, बागेश्वर उपचुनाव के नतीजे ये जरूर साफ करेंगे कि प्रदेश में इस थोड़े समय में क्या कुछ बदला है। भाजपा उतनी ही मजबूत है या फिर कई विवादों के बीच पार्टी की पकड़ ढीली हुई है, कांग्रेस उतनी ही कमजोर है या फिर मुद्दों के बीच मजबूत हुई है, और हाँ, क्या जनता सत्ता पक्ष पर उतना ही भरोसा रखती है जिस भरोसे के साथ दल को बंपर मतों से सत्ता में लाए थे, या फिर उसमें कोई अंतर आया है। इन सारे सवालों के जवाब उत्तरित होंगे 5 सितंबर को होने वाले मतदान के बाद। 8 सितंबर को नतीजे घोषित होंगे और पता चल जाएगा कि भाजपा का सहानुभूति फैक्टर काम आया या कांग्रेस का बसंत कुमार को आपसे अपनी पार्टी में खींचने का फैसला होगा, जो भी आपके लिए लेकर आएंगे। बने रहें देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।